फरवरी को प्रयाग के अंदर धर्म संसद है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। राम मंदिर तो बनेगा, चाहे सरकार बनवाए या कोर्ट बनवाए, अन्यथा संत बनवाएंगे। जैसे ढांचा टूटा वैसे ही बन जाएगा। जनवरी माह के लिए संतों ने सरकार से निवेदन किया है। पहले तो हम कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट से ही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी अब फैसला दो, तारीख पे तारीख नहीं। सरकार या तो अध्यादेश लेकर के, जैसे सोमनाथ का मंदिर कानून बना करके बना, ऐसे बनाए मंदिर, या फिर नई कोर्ट स्थापित की जाए जिसमें जल्दी से जल्दी डेली पर डेली सुनवाई हो राम मंदिर पर और जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए। अन्यथा तो उन लोगों पे बड़ी शर्म आ रही है सुन करके, ये कोई धर्म गुरु नहीं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। मदनी जैसे हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग होंगे, ये आतंकवादियों की पैरवाई कर रहे हैं। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए मदनी जैसे लोग मुकदमा लड़ने की बात कर रही, ये पक्के राष्ट्रद्रोही है। इन राष्ट्रद्रोहियों पर सरकार को कड़े से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। दरअसल है क्या, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से कोई हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट नहीं हुआ, इसलिए इनको परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं है। डर नहीं लगा जिस दिन अलीगढ़ के अंदर चंदन गुप्ता की सरेआम 26 जनवरी के दिन हत्या की गई, नसीरुद्दीन को उस दिन डर नहीं लगा जिस दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया। नसीरुद्दीन को उस दिन डर नहीं लगा जब बंगाल के अंदर सैकड़ों हिंदुओं का कत्ले आम होता है, तब डर नहीं लगता। नसीरुद्दीन जैसे कितने लोग हिंदुस्तान का खा रहे हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में पड़ा होता है। ये पाकिस्तानी भाषा हिंदुस्तान के अंदर बोलने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा।